गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने एमिनो का एसिलीकरण और बेंजोइलीकरण है वो कंप्लीट किया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे एमिनो की नेक्स्ट अभिक्रिया, जो एक नेम रिएक्शन है इम्पोर्टेंट, जो आप क्लोरोफॉर्म में पढ़ चुके हो। ये एमीन की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया है और एमीन की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया का नाम है हाफमान। कार्बिल एमीन अभिक्रिया और इसे आइसोसाइनाइड प्रेक्षण भी कहा जाता है। इसे आइसोसाइनाइड प्रेक्षण भी कहते हैं। देखो, कार्बिल एमीन किसको कहा जाता है? आइसोसाइनाइड को ही कहा जाता है, इसलिए इसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड प्रेक्षण। अब यहाँ उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है कौन? एल्किल आइसोसाइनाइड, जो कि जहरीला पदार्थ होता है, ठीक है ना। और इस अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म की पहचान की जाती है और यहाँ उत्पाद के रूप में आइसोसाइनाइड बनता है, इसलिए इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड प्रेक्षण। तो ये अभिक्रिया केवल कौन सी एमीन दर्शाएगी? प्राथमिक एमीन। तो इस अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन तथा क्लोरोफॉर्म की पहचान का परीक्षण होता है ये। अब देखिए, इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन ली जाती है और अपन ने प्राथमिक एमीन के रूप में ले लिया मेथिल एमीन। प्राथमिक एमीन के रूप में ले लिया मेथिल एमीन। यहां NH2 क्रियात्मक समूह है तो ये एक प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन की क्रिया यहां पे करवाई जाती है क्लोरोफॉर्म के साथ, तो ये आप क्लोरोफॉर्म में पढ़ चुके हो पहले। तो ये अभिक्रिया प्राथमिक एमीन की पहचान का परीक्षण भी है और क्लोरोफॉर्म की पहचान का परीक्षण भी है। अब यहां प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करती है क्षार की उपस्थिति में। क्षार आप यहाँ NaOH ले सकते हो या KOH ले सकते हो। तो NaOH या KOH के तीन अणु लेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 3 सोडियम 3 क्लोरीन के साथ चले जाएंगे 3 NaCl, 3 NaCl बन जाएंगे। यहाँ पे 3 OH, क्षार के 3 OH, ये ले जाएंगे 3 हाइड्रोजन को। एक हाइड्रोजन तो क्लोरोफॉर्म से और 2 हाइड्रोजन NH2 से, तो 2 हाइड्रोजन NH2 के, 1 हाइड्रोजन क्लोरोफॉर्म का, ये 3 हाइड्रोजन चले जाएंगे 3 OH के साथ। तो यहाँ पे 3 अणु बनेंगे जल के, ठीक है। अब देखिए क्या क्या बच गया। यहाँ बचा CH3N और क्लोरोफॉर्म में बचा C। इनको ऐसा का ऐसा जॉइंट कर देंगे तो देखिए ये मुख्य उत्पाद CH3NC, ठीक है।
तो NC क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? आइसोसाइनाइड, और यहां कार्बन श्रृंखला से लगा है आइसोसाइनाइड, तो ये है एल्किल आइसोसाइनाइड। यहां एल्किल के रूप में है मेथिल, और NC के लिए आइसोसाइनाइड। तो यदि अपन प्राथमिक एमीन के रूप में मेथिल एमीन लेते हैं तो अपन को मेथिल आइसोसाइनाइड MIC गैस प्राप्त होती है। तो यहां उत्पाद के रूप में एल्किल आइसोसाइनाइड बन रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड को कार्बिल एमीन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो मेथिल आइसोसाइनाइड है MIC गैस, ये एक जहरीली गैस होती है, ठीक है। और इस गैस के लीक होने के कारण एक बार भोपाल जो मध्य प्रदेश में आता है वहां पे बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी, इसलिए मेथिल आइसोसाइनाइड को भोपाल त्रासदी गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस गैस के लीक होने से भोपाल में बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी, इसलिए मेथिल आइसोसाइनाइड MIC को, जो एक जहरीली गैस होती है, इसको भोपाल त्रासदी गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तो यदि अपन से पूछ ले कि भोपाल त्रासदी गैस कौन सी अभिक्रिया में बनती है, तो अपन कार्बिल एमीन अभिक्रिया आइसोसाइनाइड परीक्षण, ठीक है ना। तो भोपाल त्रासदी गैस प्राथमिक एमीन की कौन सी अभिक्रिया में बनती है? हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण में, ध्यान रखना है ये। अब देखिए इस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है, इस अभिक्रिया की क्रिया विधि आपको जब क्लोरोफॉर्म करवाया था वहां पे इसकी क्रिया विधि बता चुके हैं, तो आप इसकी क्रिया विधि वहां से देख सकते हो कि यहां किस प्रकार से मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है, किस प्रकार से 3NaCl, किस प्रकार से 3H2O बनते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यदि अपन यहां पे एरोमेटिक एमीन ले लें, जो एरोमेटिक एमीन होती है एनिलीन, उसमें भी NH2 ग्रुप होता है, ये भी प्राथमिक एमीन ही होती है, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन के टच में होता है? एक कार्बन के। तो जिस एमीन में NH2 समूह होता है वो प्राथमिक एमीन होती है, और ये अभिक्रिया केवल NH2 समूह वाली प्राथमिक एमीन ही दर्शाएगी, चाहे वो एलिफैटिक एमीन हो चाहे एरोमेटिक एमीन हो। ये तो एलिफैटिक एमीन थी, अब अपन ने ले ली एरोमेटिक एमीन एनिलीन, तो एनिलीन ये भी ये अभिक्रिया दर्शाएगी, क्योंकि इसमें भी NH2 क्रियात्मक समूह है। अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, क्षार की उपस्थिति, ठीक है। तो क्षार के 3 सोडियम 3 क्लोरीन को ले जाएंगे, तो ये 3NaCl, और ये जो 3OH है ये 3OH ले जाएंगे 3 हाइड्रोजन को, 2 हाइड्रोजन NH2 के, 1 हाइड्रोजन H का, तो 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, ये कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन 3OH के साथ 3H2O,
अब देखिए यहां पे इधर बचा C6H5N और यहां पे C, तो ये हो जाएगा C6H5NC। तो इसे अपन क्या कहेंगे, C6H5 फेनिल और NC आइसोसाइनाइड। तो यदि हाफमान कार्बिलेमिन अभिक्रिया आइसोसाइनाइड परीक्षण यदि एनिलीन को लेकर करवाया जाता है तो अपन को प्राप्त होता है फेनिल आइसोसाइनाइड, और मेथिलेमिन को लेकर करवाते हैं तो प्राप्त होता है मेथिल आइसोसाइनाइड MIC गैस, जिसको भोपाल त्रासदी गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया प्राथमिक एमीन जिसमें NH2 समूह होता है, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उसका परीक्षण होता है, और एक ये क्लोरोफॉर्म की पहचान का भी परीक्षण होता है, क्योंकि यह प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ, और यहाँ उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड। इसलिए इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम होता है कार्बिल एमीन, इसलिए इसे हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया ये भी एक नेम रिएक्शन है एमीन की, और ये भी प्राथमिक एमीन ही दर्शाती है। इस अभिक्रिया का नाम हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एमीन की क्रिया करवाई जाती है कार्बन डाई सल्फाइड से। तो हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में एमीन की क्रिया किससे करवाते हैं, कार्बन डाई सल्फाइड से। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। इस अभिक्रिया में ये भी केवल प्राथमिक एमीन ही दर्शाती है। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन की क्रिया मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड से करवाई जाती है, जिससे उत्पाद के रूप में एल्किल आइसो थायोसाइनेट, यहां उत्पाद के रूप में क्या बनता है, एल्किल आइसो थायोसाइनेट।
प्राप्त होता है जिसमें सरसों के तेल जैसी गंध आती है। सरसों के तेल को कहते हैं मस्टर्ड ऑयल, जिसमें सरसों के तेल जैसी गंध आती है। तो इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, उसमें सरसों के तेल यानी मस्टर्ड ऑयल जैसी गंध आती है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए ये अभिक्रिया भी केवल प्राथमिक एमीन द्वारा दर्शाई जाती है। अब यहां अपन प्राथमिक एमीन के रूप में ले लेते हैं एथिल एमीन, ये ले लिया एथिल एमीन, और क्रिया यहां पे कार्बन डाई सल्फाइड के साथ, तो ये कार्बन डाई सल्फाइड CH2। अब देखिए यहां पे दोनों सल्फर कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, तो यहां डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएंगे किसके द्वारा, सल्फर के द्वारा, क्योंकि सल्फर की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, तो सल्फर पे आ जाएगा माइनस, कार्बन पे आ जाएगा प्लस। अब अपन को पता है कि एमीन में नाइट्रोजन पे पाया जाता है लोन पेयर, तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे देगा सी प्लस को। ठीक है, तो ये कार्बन डाइसल्फाइड नाइट्रोजन से जुड़ जाएगी, तो देखिए CH3 CH2 NH, एक हाइड्रोजन को अलग से शो कर देंगे, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, किसको दिए कार्बन को, तो इससे डायरेक्टली कार्बन अटैच होगा। ऊपर वाला सल्फर डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा और इधर डबल बॉन्ड की जगह हो गया सिंगल, और यहाँ सल्फर पे माइनस। ठीक है, अब देखिए इस नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, तो इस नाइट्रोजन के प्लस को उदासीन करेगा कौन, नाइट्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, नाइट्रोजन को, जिससे नाइट्रोजन का प्लस उदासीन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा किसके रूप में, H प्लस के रूप में, और ये H प्लस जुड़ जाएगा सल्फर माइनस से। ठीक है, तो अपन को प्राप्त होगा CH3 CH2 NH सी डबल बॉन्ड एस, और इधर एस माइनस एच प्लस SH। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब देखिए अपन ने कहा कि ये अभिक्रिया मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 की उपस्थिति में होती है, तो अब यहां पे मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। अब देखिए यहां से मर्क्यूरिक क्लोराइड के जो दो क्लोरीन है वो ले जाएंगे दो हाइड्रोजन को, एक तो नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन को और एक सल्फर वाले हाइड्रोजन को, इन दो हाइड्रोजन को ले जाएंगे दो क्लोरीन, तो ये यहां बन जाएंगे 2HCl। ठीक है, जो मर्करी है वो रह जाएगी एक सल्फर को, मर्करी है वो चली जाएगी एक सल्फर परमाणु के साथ, तो ये सल्फर और ये मर्करी, ये बना लेंगे HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड।
ये बन गया मर्क्यूरिक सल्फाइड। अब देखिए क्या बच गया, वो अपना मुख्य उत्पाद होगा CH3CH2। यहां से हाइड्रोजन चला गया था तो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, उधर से सल्फर भी चला गया था हाइड्रोजन भी चला गया था। तो देखो पीछे अपने पास बचा CH3CH2 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ठीक है। तो ये जो उत्पाद है CH3CH2 के लिए एथिल, और NCS को कहते हैं आइसोथायोसाइनेट। और ये जो एथिल आइसोथायोसाइनेट है इसमें सरसों के तेल जैसी गंध आती है, सरसों के तेल को मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। देखो CN को कहते हैं साइनाइड, NC को कहते हैं आइसोसाइनाइड, CNO साइनेट, NCO आइसोसाइनेट, CNS थायोसाइनेट, सल्फर के लिए थायो, ठीक है ना। तो CNS होता है थायोसाइनेट, और NCS होता है आइसोथायोसाइनेट। तो यहां पे क्या है NCS, तो NCS को कहते हैं आइसोथायोसाइनेट, और इससे एथिल लगाया तो एथिल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है ना, जिसमें सरसों के तेल जैसी यानी मस्टर्ड ऑयल जैसी गंध आती है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो ये भी प्राथमिक एमीन की काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब देखिए अब अपन प्राथमिक एमीन की क्रिया करवाएंगे टिल्डन अभिकर्मक से। टिल्डन अभिकर्मक का रासायनिक नाम होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक है। इस अभिक्रिया में अपन को उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है क्लोरोएल्केन। तो यहां उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है क्लोरोएल्केन। तो ये अभिक्रिया आप हेलोएल्केन बनाने की विधियों में पढ़ चुके हो हेलोजन वाले लेसन में। तो ये प्राथमिक एमीन को हेलोएल्केन यानी क्लोरोएल्केन में बदलने का मेथड है। ये प्राथमिक एमीन ले ली, एथिलेमीन या इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनेमीन,
टिल्डन अभिकर्मक होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl। नाइट्रोसिल के लिए NOCl के लिए क्लोराइड है ना। अब देखिए इस टिल्डन अभिकर्मक को अपन इस प्रकार से लिख लेंगे, इसके साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के द्वारा और क्लोरीन है वो नाइट्रोजन से जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो ये इस प्रकार से इसकी संरचना होती है NOCl की। तो देखिए यहाँ इस प्रकार से उत्पाद बनेंगे, इधर से प्राथमिक एमीन की कार्बन श्रृंखला चली जाएगी क्लोरीन के साथ, तो CH3 CH2 Cl ये बन गया क्लोरो एथेन। बीच में प्राथमिक एमीन की नाइट्रोजन और टिल्डन अभिकर्मक का नाइट्रोजन ये बना लेंगे N2 और इधर से H2O साथ में बन जाएगा जल। तो ये प्राथमिक एमीन की टिल्डन अभिकर्मक नाइट्रोसिल क्लोराइड से क्रिया है जिससे उत्पाद के रूप में क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। अगली है फोस्जीन से क्रिया। अब एमीन की फोस्जीन से क्रिया कराते हैं, तो यूरिया के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। तो देखिए पहले अपन प्राथमिक एमीन के रूप में ले लेते हैं मेथिल एमीन। प्राथमिक एमीन मेथिल एमीन की क्रिया करवाएंगे फोस्जीन से। फोस्जीन क्या होती है? COCl2। COCl2 को क्या कहते हैं अपन? फोस्जीन। अब देखिए फोस्जीन में क्लोरीन कितने हैं? यहां पे क्लोरीन 2 है। अपन यहां प्राथमिक एमीन है उसके भी ले लेंगे कितने अणु? 2 अणु, ठीक है। अब देखिए यहां पे NH2 से हाइड्रोजन और फोस्जीन से क्लोरीन, यहां से निकल जाएंगे 2HCl निकल जाएंगे। तो देखिए प्राथमिक एमीन से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो बचेगा CH3NH। ये CH3NH है वो जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O से, तो C डबल बॉन्ड O से जुड़ गया NHCH3। और अपन ने प्राथमिक एमीन के 2 अणु लिए थे तो C डबल बॉन्ड O से जुड़ जाएंगे 2NHCH3। अब देखिए यूरिया होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया होता है। तो इधर नाइट्रोजन से एक CH3 जुड़ा है, इधर नाइट्रोजन से एक CH3 जुड़ा है ना। तो ये यूरिया का डाइमेथिल व्युत्पन्न है, तो ये 2 CH3 के लिए डाई मेथिल
और ये डाइमेथिल किससे जुड़े हैं, यूरिया से, तो इसका नाम हो गया डाइमेथिल यूरिया। तो इस प्रकार प्राथमिक एमीन के दो अणु फॉस्जीन से क्रिया करके डाई एल्किल यूरिया का निर्माण करते हैं। यहां अपन द्वितीयक एमीन भी ले सकते हैं, ये ले ली द्वितीयक एमीन, डाइमेथिल एमीन, वही दो अणु ले लिए, ये द्वितीयक एमीन है डाइमेथिल एमीन, फॉस्जीन COCl2। तो देखिए द्वितीयक एमीन में NH क्रियात्मक समूह होता है, एक हाइड्रोजन होता है, तो दो अणु लिए हैं, तो ये दो हाइड्रोजन और ये दो क्लोरीन, ये निकल जाएंगे 2HCl। और बचा हुआ द्वितीयक एमीन का पार्ट है वो लग जाएगा C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ। अब देखो इस उत्पाद में यूरिया के जो चारों हाइड्रोजन है, इधर वाले दो हाइड्रोजन, इधर वाले दो हाइड्रोजन, इनकी जगह जुड़े हैं चार मेथिल, तो ये है टेट्रा मेथिल यूरिया। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन है वो फॉस्जीन के साथ डाई एल्किल यूरिया बनाती है और